दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम करने वाले हैं जो बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ठीक है, थ्योरम क्या है हमारा? हमारा थ्योरम है ग्रेडियंट ऑफ एफ अपॉन जी, यानी कि एफ और जी कोई दो फंक्शन है। ठीक है, स्केलर फंक्शन। ठीक है, क्योंकि जो ग्रेडियंट निकालते हैं वो स्केलर फंक्शन का निकालते हैं और जो वेक्टर फंक्शन होता है उसका हम डाइवर्जेंस और कर्ल निकालते हैं। ठीक है, तो अगर हमको ग्रेडियंट फाइंड करना है तो फंक्शन क्या है, स्केलर फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो एफ अपॉन जी कोई फंक्शन है और इसका हमको निकालना है ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट क्या होगा, ये हमको ये प्रूव करना है कि अगर हम इसका ग्रेडियंट निकालेंगे तो ग्रेडियंट ये आएगा, हमको ऐसा प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रूव क्या करना है, एफ अपॉन जी का ग्रेडियंट निकाले तो क्या आया, जी डॉट ग्रेडियंट एफ माइनस एफ डॉट ग्रेडियंट जी अपॉन जी स्क्वायर। ठीक है, जहाँ जी जो है नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं कि जो ग्रेडियंट होता है, ठीक है, ग्रेडियंट इसको हम डेल के फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, जो ग्रेडियंट होता है उसको हम डेल लिख सकते हैं और इसकी वैल्यू क्या होती है, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, ये होती है ग्रेडियंट की वैल्यू। ठीक है, और हमको ग्रेडियंट फाइंड किस का करना है, एफ अपॉन जी का। ठीक है, तो देखिए जब हमको ग्रेडियंट फाइंड करना है एफ अपॉन जी का, तो देखिए ग्रेडियंट की वैल्यू क्या है, ये है, क्या है, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, ग्रेडियंट की वैल्यू ये है और हमको किसका फाइंड करना है, एफ अपॉन जी का, तो एफ अपॉन जी का हो गया मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, जो एफ अपॉन जी कोई फंक्शन है इसको हम तीनों टर्म्स के साथ ले लेते हैं। कैसे, देखिए आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स एफ अपॉन जी प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई एफ अपॉन जी प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड एफ अपॉन जी। ठीक है, ये हो गया हमारा ग्रेडियंट ऑफ एफ, एफ अपॉन जी। ठीक है, तो देखिए अब हमको करना क्या है, डेल अपॉन डेल एक्स एफ अपॉन जी डेल अपॉन डेल वाई एफ अपॉन जी डेल अपॉन डेल जेड एफ अपॉन जी, इन तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पुट कर देना है। ठीक है, तो हमारा वही होगा आंसर और वही हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं इनकी वैल्यू, किसकी पहले वैल्यू निकाल लेते हैं हम, डेल अपॉन डेल एक्स की, क्या दिया है, एफ अपॉन जी, इसकी हम पहले फाइंड कर लेते हैं वैल्यू और इसको यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं कि जो पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है या फिर डिफरेंशिएशन जो होता है यू अपॉन वी फंक्शन का, वो कैसे निकालते हैं। देखिए अगर हमको डिफरेंशिएशन फाइंड करना है या फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन फाइंड करना है यू अपॉन वी का, यू अपॉन वी कोई फंक्शन है और हमको उसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन फाइंड करना है या फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, तो क्या होता है फार्मूला, अपॉन में क्या होता है, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर वी स्क्वायर। ठीक है, ऊपर में क्या होता है, वी इंटू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ यू माइनस यू इंटू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वी, ये होता है फॉर्मूला और हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे यहाँ पर, क्योंकि देखिए फंक्शन क्या है, यू अपॉन वी है, यहाँ क्या है, एफ अपॉन जी। ठीक है, तो सेम यही फॉर्मूले का यहाँ यूज करेंगे, तो क्या होगा इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा जी का स्क्वायर। ठीक, और ये जी इंटू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, एफ का, माइनस एफ इंटू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ जी, ये किसकी वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई डेल अपॉन डेल एक्स इंटू एफ अपॉन जी, ये इसकी वैल्यू हो गई, और हमको क्या निकालना है, डेल अपॉन डेल वाई एफ अपॉन जी। ठीक है, डेल अपॉन डेल वाई
एफ अपॉन जी, इसकी वैल्यू निकालना है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, नीचे में हो गया जी स्क्वायर और ये जी इंटू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ माइनस एफ इंटू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ जी। सॉरी, यहाँ क्या है देखिए, यहाँ पर जो है वाई के रिस्पेक्ट में निकालना है ना डिफरेंशिएशन, वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालना है। तो यहाँ पर हम जो डेल अपॉन डेल एक्स लिखे हैं, यहाँ क्या होगा डेल अपॉन डेल वाई, यहाँ भी क्या होगा डेल अपॉन डेल वाई, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा डेल अपॉन डेल वाई, क्योंकि देखिए जी स्क्वायर हो गया नीचे वाला फंक्शन का स्क्वायर, ठीक है, इंटू ऊपर में क्या होगा जी इंटू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई के रिस्पेक्ट में किसका, एफ का, माइनस एफ इंटू डेल अपॉन डेल वाई इंटू जी, ठीक है। इसी प्रकार हमको और क्या निकालना है, डेल अपॉन डेल जेड एफ अपॉन जी, ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना रहता है ना उसी के रिस्पेक्ट में नीचे लिखते हैं, ठीक है। देखिए जैसे इसका निकालना है डेल अपॉन डेल जेड का एफ अपॉन जी, ठीक है, देखिए इसका क्या होगा, नीचे में तो जो ही जी स्क्वायर ही आएगा, ठीक, ऊपर में क्या रहेगा जी डॉट पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ जेड के रिस्पेक्ट में, ठीक है, डेल जेड एफ माइनस एफ डॉट पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू जेड इंटू जी। ये हो गया हमारा इन तीनों की वैल्यू, हम इन तीनों की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए आई कैप, देखिए इसकी वैल्यू क्या है, जी डेल अपॉन डेल एक्स एफ माइनस एफ डॉट डेल अपॉन डेल एक्स जी प्लस जे कैप, इसकी वैल्यू क्या है, जी डेल अपॉन डेल वाई एफ माइनस एफ डेल अपॉन डेल वाई जी, ठीक है, प्लस के कैप, इसकी वैल्यू क्या है, जी डॉट डेल अपॉन डेल जेड एफ माइनस एफ डॉट डेल अपॉन डेल जेड डॉट जी, ठीक है। अब देखिए सभी का जो है जी स्क्वायर बचा है, यहाँ भी अपॉन में जी स्क्वायर है, यहाँ भी अपॉन में जी स्क्वायर है, यहाँ भी अपॉन में जी स्क्वायर है, तो हम क्या कर लेते हैं, हम पूरे से जो है अभी नहीं अभी लिख देते हैं, ठीक है, जी स्क्वायर यहाँ भी है, जी स्क्वायर यहाँ भी है और जी स्क्वायर यहाँ भी है, ठीक है, इसको जो है मिटा देते हैं पूरे को भी, ठीक है। तो हमारा ये जो है हम वैल्यू जो है पुट कर दिए, अब हमको करना क्या है, हम पूरे से क्या करते हैं जी स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। जब पूरे से जी स्क्वायर को कॉमन लेंगे वन अपॉन जी स्क्वायर को, तो क्या बचेगा हमारे पास, और ये जो आई जे के है ना इनका जो है अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक, तो ये क्या हो गया जी डेल अपॉन डेल एक्स एफ, ये क्या हो गया आई कैप माइनस आई कैप एफ डॉट डेल अपॉन डेल एक्स जी प्लस जे का मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, जी स्क्वायर तो पूरा कॉमन हो गया है, जे कैप जी डॉट डेल अपॉन डेल वाई एफ माइनस जे कैप एफ डॉट डेल अपॉन डेल वाई जी प्लस के कैप जी डेल अपॉन डेल जेड एफ माइनस के कैप एफ डॉट डेल अपॉन डेल जेड जी, ठीक है। हम क्या किए हैं, हम वन अपॉन जी स्क्वायर को पूरे से कॉमन ले लिए हैं और आई का अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ भी जे का मल्टीप्लाई कर दिए और के का मल्टीप्लाई भी अंदर कर दिए। तो देखिए अब हमको करना क्या है, हमारे पास देखिए वन अपॉन जी स्क्वायर तो ही है कॉमन, ठीक, अब हम क्या करते हैं, हम जी वाले टर्म को एक साइड और एफ वाले टर्म को एक साइड लिख लेते हैं। कैसे, देखिए ये जी वाला है तो क्या हो गया हमारे पास आई कैप जी डेल एफ अपॉन डेल एक्स, ठीक, और जी वाला टर्म एक ये है प्लस जे कैप जी डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस जी वाला टर्म एक ये है के कैप जी डॉट
डेल एफ अपॉन डेल जेड, एक टर्म हमारा ये हो गया। और क्या करते हैं हम, जो एफ वाला टर्म है उसको एक साथ लिख लेते हैं, तो क्या है यहाँ पर माइनस, देखिए ये क्या है हमारे पास, हम क्या किए पूरे से माइनस कॉमन ले लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। देखिए आई कैप एफ डॉट डेल जी अपॉन डेल एक्स प्लस, देखिए यहाँ पर माइनस है, हम माइनस कॉमन ले चुके हैं, फिर क्या आएगा हमारे पास, जे कैप एफ डॉट डेल जी अपॉन डेल वाई प्लस, यहाँ पर यहाँ से भी हम माइनस कॉमन ले चुके हैं, देखिए के कैप एफ डॉट डेल जी अपॉन डेल जेड, ठीक है। हम क्या किए हैं, हम g वाले टर्म को एक साथ और f वाले टर्म को एक साथ लिख लिए, ठीक है। अब वो करना क्या है, वन अपॉन जी स्क्वायर तो है ही है, ठीक। हम क्या किए, यहाँ से g को कॉमन ले लिए, जब यहाँ g स्क्वायर, ठीक है, वन अपॉन जी स्क्वायर, हम g को कॉमन ले लिए, तो क्या बचा हमारे पास, i कैप डेल अपॉन डेल एक्स एफ प्लस j कैप डेल f अपॉन डेल वाई प्लस k कैप डेल अपॉन डेल जेड एफ, ठीक। माइनस हम इससे क्या किए, एफ को कॉमन ले लिए, तो क्या बचा हमारे पास, आई कैप डेल जी अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल जी अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल जी अपॉन डेल जेड, ठीक है। हम जी को कॉमन ले लिए और यहाँ से एफ को कॉमन ले लिए, ठीक। अब देखिए क्या आएगा हमारे पास, वन अपॉन जी स्क्वायर तो है ही है, ये तो हो गया जी। ध्यान से देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए क्या है हमारे पास, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए इसको हम, देखिए आई कैप है डेल अपॉन डेल एक्स एफ प्लस जे कैप डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल एफ अपॉन डेल जेड, यही लिखा है यहाँ पर। तो क्या किए हम, देखिए हम लिखे आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, ठीक। और एफ को बाहर ले लिए, तो ये किसकी वैल्यू, देखिए ये वैल्यू है ना ग्रेडियंट की, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, और ये एफ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ग्रेडियंट एफ, ठीक। तो देखिए ये तो हो गया वन अपॉन जी स्क्वायर है, जी को कॉमन ले लिए थे हम, तो ये बचा था हमारे पास, और इसकी वैल्यू क्या है, ग्रेडियंट एफ, तो जी डॉट ग्रेडियंट एफ हो गया माइनस, यहाँ देखिए एफ है, सेम यहाँ भी देखिए, जैसे यहाँ पर एफ की जगह जी बस रखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना ग्रेडियंट जी, ठीक है, ग्रेडियंट जी। तो ये हो गया हमारा क्या, वन अपॉन सॉरी जी डॉट ग्रेडियंट एफ माइनस एफ डॉट ग्रेडियंट जी अपॉन में क्या है, जी स्क्वायर। देखिए जी डॉट ग्रेडियंट एफ माइनस एफ डॉट ग्रेडियंट जी अपॉन में जी स्क्वायर, और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, ग्रेडियंट ऑफ एफ अपॉन जी की वैल्यू हमको यही प्रूफ करना था, ठीक है। तो हमारा जो है ये प्रूफ हो गया, तो हम लिख सकते हैं हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। तो इसी प्रकार आप, अगर आपको फंक्शन दिया है एफ अपॉन जी का कोई भी फंक्शन, तो आप उसको ग्रेडियंट निकाल सकते हैं, और अगर आपको थ्योरम पूछता है तो आप थ्योरम भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।